महोबा में 10 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर की फसल पानी से बर्बाद हो गई। फसलों का बीमा कराने के बावजूद किसानों को उचित मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट में फसलों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर जनप्रतिनिधियों पर बीमा कंपनियों से साठ गांठ कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। बुंदेलखंड किसान यूनियन के किसानों के साथ आवाज बुलंद करते हुए उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बुंदेलखंड में ओलावृष्टि अतिवृष्टि के चलते साल दर साल किसान हैरान और परेशान होकर लाचार हो गया है। भारत सरकार द्वारा किसानों की फसलों का बीमा कराने के बावजूद भी भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों द्वारा बीमा कंपनियों से साठ गांठ कर 10-20% फसलों की बर्बादी दिखाकर रुपए लिए जा रहे हैं, तो वहीं हम किसान साल दर साल परेशान हो रहे हैं। शासन और प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिससे नाराज होकर आज बुंदेलखंड का किसान अपनी फसलों को बर्बाद हालत में लेकर महोबा कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां पर जिला अधिकारी से फसल के मुआवजे की मांग की गई है। बुंदेलखंड किसान यूनियन ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। 10 दिन से हो रही है अतिवृष्टि से किसान तबाह और बर्बाद हो गया। हमारी सारी फसलें हमाओ उड़दा हो गो बिल्कुल मुर्दा। उत्तरी हो गई बागी, अब किसान खाएगा तो क्या। बीमा कंपनियों ने यहाँ के शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को 50-50 लाख रुपए दे के और 10-10% हमारा नुकसान बताया है। ये खुला आरोप है हमारे किसानों का और बुंदेलखंड किसान यूनियन का। हमारी पुनर्विवेचना करवाई है, फसलों का पुनर्विवेचना करवाई है कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। हमारा 90 नहीं 70 नहीं 30 नहीं 10 नहीं 100% नुकसान हुआ है। तो बीमा कंपनियाँ जो हमसे पैसा लेती हैं उनसे कहा जाए कि वो हमसे फिर से विवेचना करें और हमारा 100% नुकसान हमें दिया जाए। हमारी लड़ाई ये है। देखिए, लगातार योगी सरकार कह रही है कि किसानों की हितैषी सरकार है, फिर ऐसे में दुर्व्यवहार क्यों? हम कहाँ दुर्व्यवहार कर रहे हैं सर? सरकार दुर्व्यवहार कर रही है? सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि, मैं कह रहा हूँ ना सर, कि पैसा लेके खेल हुआ है पूरा किसानों का। किसानों की पीठ पे छुरा भोंका गया है सर, किसानों की पीठ पे छुरा भोंका गया है सर। तो किसान इतना परेशान है, एक किसान का कम से कम इतना नुकसान है कि तीन चार लाख का नुकसान है जिसकी बड़ी जमीन है। वो छोटे वाले किसान है तो 50,000-1 लाख से कोनो कम नहीं होगा सर। वो पूरा नष्ट हो चुकी है, मुआवजा देने को सरकार तैयार नहीं है। और योगी जी ने कहा है कि मुआवजा मिलेगा और जो किसान हैं उनको परेशानी है, उनकी परेशानी से दूर किया जाएगा। कहाँ परेशान कर रहे हैं किसानों की परेशानी कर रहे हैं, वो कहाँ मुआवजा दे रहे। वो जितनी महिलाएं पीड़ित हैं, जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे, तो एक ही महिला आपके सामने वो खड़ी खड़ी रो रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। हर महिला कोई सुरक्षित नहीं है, न किसी की सुनवाई हो रही, चाहे वो तहसील चली जाए महिला, चाहे वो थाने चली जाए महिला, वो चाहे DM साहब लो जाए, चाहे कप्तान साहब लो जाए, जिसके पास जाए, कोई सुनवाई नहीं है। 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं उनका काम होता है।